आज का टॉपिक के इस खास प्रोग्राम में मैं शेख आसिफ आपका स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। हजार खुली गली नंबर 1 को लेकर हमने रिपोर्टिंग की थी। इफ्तिताह होने के बाद भी इस रोड का तामीरी काम क्यों नहीं शुरू हो रहा है। कुछ दिनों बाद हजार खुली गली नंबर 1 के तामीरी काम की शुरुआत हो चुकी थी। अभी भी उस रोड का तामीरी काम जारी है। गौर से देखिए इस शख्स को, ये रिजवान बैटरी वाला साहब है। 2-3 महीना गायब होते हैं और उसके बाद अचानक से आकर मालेगांव शहर के अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं मीडिया के सामने। एक बोर्ड लगाया है उन्होंने गली नंबर 1 पर, उस पर लिखा है गली नंबर 1 पर जो तामीरी काम जारी है उसके एस्टिमेट की कॉपी है। रोड को कितना खोदना है, रोड में किस तरह का मटेरियल यूज करना है, रोड के काम की क्वालिटी किस तरह से होगी, रोड का बजट कितना है, इस तरह का बोर्ड रिजवान भाई ने लगाया है वहां पर। चलो अच्छी बात है, आवाम को मालूम पड़ेगा कि रोड का काम कितने रुपये के लागत से हो रहा है और किस क्वालिटी में रोड का तामीरी काम कंप्लीट होगा। लेकिन रिजवान भैया को इस रोड की याद इससे पहले क्यों नहीं आई, इस रोड के तामीर को करने के लिए जद्दोजहद आखिरकार क्यों नहीं की रिजवान भैया ने। इससे पहले भी हजार खोली में कई रोडों की तामीर हुई, क्या रिजवान भैया ने इस तरह के बोर्ड लगाए किसी गली के कोने पर? रिजवान भैया को इस रोड के तामीर में कुछ डाउट है क्या? क्या तकलीफ है रिजवान भैया को इस रोड को लेकर? रोड की तामीर तो हो रही है, रोड को जितना खोदना चाहिए था उस तरह से रोड को खोदा गया है, रोड में मटेरियल डालने का काम भी शुरू हो चुका है, लेकिन न जाने रिजवान भैया को क्या तकलीफ है। तामीर के खिलाफ हमारा चैनल कभी नहीं था, हम तो चाहते हैं कि हमारे अपने मालेगांव शहर में तामीरी काम जोरों शोरों से हो, मालेगांव शहर की तमाम तर सड़कें अच्छे क्वालिटी में बनाई जाए ताकि मालेगांव शहर की आवाम को आने जाने में तकलीफ का सामना ना करना पड़े। रिजवान भैया को अगर डाउट था कि रोड की तामीर में कुछ गड़बड़ हो सकती है तो रिजवान भैया खुद जद्दोजहद करके 2 करोड़ का फंड लाकर इस रोड की तामीर क्यों नहीं करते? लाना चाहिए था रिजवान भैया को। क्या अभी तक रिजवान भैया ने कुछ तामीरी काम करने के लिए कैसे फंड लाया है? क्या उन्होंने अभी तक मालेगांव शहर में 1 करोड़ की तामीर की है? हम किसी MLA या किसी शख्स का सपोर्ट नहीं करते, ना ही उनके फेवर में बोलते हैं। हमें तो मालेगांव शहर के तामीर और तरक्की से लेना देना है। हम तो चाहते हैं मालेगांव शहर में तामीर और तरक्की आए, मालेगांव शहर की हर रोड हर रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा हो, मालेगांव शहर की आवाम को आने जाने में तकलीफ का सामना ना करना पड़े। लेकिन रिजवान भैया क्या ये काम रुकवाना चाहते हैं? ये मुझे डाउट है। हजार खोली गली नंबर 1 के गटर को लेकर भी रिजवान भैया ने जद्दोजहद की थी, चलो अच्छी बात है, बिल्कुल गलत बात नहीं है, रिजवान भैया की कोशिशें बड़ी अच्छी थी। मालेगांव महानगर पालिका के कमिश्नर भालचंद्र गोसावी साहब ने वहां पर तकरीबन 1 से 1.5 घंटा विजिट किया, तमाम तर गटरों को देखा और एक बात कही थी कि यहाँ का अतिक्रमण निकालकर गटर का काम चालू किया जाएगा। लेकिन एक बात कही, दिनों से सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है, जो अतिक्रमण 5 से 6 फुट हजार खोली गली नंबर 1 में किया गया है, क्या वो आवाम अतिक्रमण निकालने के लिए राजी है? रिजवान भैया इस बात को लेकर ही कोशिश कर रहे थे कि अतिक्रमण पूरा निकाला जाए और गटर का तामीरी काम शुरू किया जाए। हमारे चैनल का मकसद बस इतना ही है कि मालेगांव शहर में तामीर और तरक्की हो, मालेगांव शहर की सड़कें साफ सुथरी और अच्छी क्वालिटी में हो। इससे पहले भी हमने गली नंबर 1000 खोली को लेकर खबरें बनाई थी जिस वक्त इस रोड का काम चालू नहीं हुआ था। इसी तरह की नई नई खबरों को पाने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल सच का सामना को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपका होस्ट शेख आसिफ, बेखौफ बेधड़क पत्रकारिता।